गाइस ये देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है फरीद नगर में। अजान बोलो बेटा, पैर ठंडे हो गए। पैर ठंडे हो गए, अजान के पैर देख सकते हैं आप। अजान अजान पैर फैला। ये बैठा है अजान। अजान अजान बोलो बारिश, बोलो फैंस हाय। अजान बोलो हाय, ऐसे नहीं बोलते, अच्छे से बोलो। इधर देखो शबाना खाला की तरफ देखो। अच्छा तुम्हारे पैरों में बारिश पड़ रही है। ये देखिए गाइस, ये देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है। अजान बोलो, मैं तो दिख नहीं रहा क्योंकि हम लोग बारिश दिखा रहे हैं अभी। ये देखो, ये देखो, नीचे तो अभी नीचे की, अभी नदी नहीं, अभी और तेज बारिश होगी ना तब ये नीचे का दिखाएंगे, फिर यहाँ पूरा पानी भर जाएगा ना। आजा, कुत्ता अंदर घुस गया। कहाँ घुस गया? पागल कुत्ता हमारे अंदर। हाँ। ओ ये देखो अजान, देखो जहाँ वो फ्लैट है कितनी तेज बारिश लग रही है, काला काला। हाँ। ना सो गाइस मिलते हैं आपसे। कस के बोलो बोलो। सो गाइज आप लोगों से मिलते हैं ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ। सो गाइज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ क्योंकि मैं अभी अभी मार्केट से आई हूँ, और देखिए पूरी सब्जियाँ वॉश करके रखी हूँ। देखिए बैंगन टमाटर सब, ये देखिए, और अभी तक मैंने कुछ खाना नहीं बनाया, और सब्जियां तो बजट से आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, बजट में नहीं है, बहुत महंगी सब्जी है। कल बारिश बहुत तेज़ हो गई थी इस वजह से हम लोग कल संडे को नहीं ला पाए हैं। आज सारी सब्जियां लाए, और मिर्ची कहाँ है देख लो, मिर्ची धोना ही भूल गई। देखते हैं अब क्या करते हैं, क्या बनाते हैं। और आज गुड़िया की ये तो तबीयत खराब है। डैडी डैडी आज बाजार की तरफ से नहीं आए क्या? आज बाजार की तरफ से नहीं आए क्या? अच्छा बाजार से नहीं आए, तबीयत खराब है। और गुड़िया दवा खा ली है? गाइस गुड़िया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, दवा खा के आराम कर रही है। और मैं अब अकेले कैसे क्या करूँ गुड़िया, सूट कैसे करूँ मैं? गुड़िया थोड़ी तो शक्ल दिखा दे अपनी, बाप रे चारों तरफ ये देखो। गुड़िया सूट कैसे करूँ मैं? बोल भी नहीं पा रही बेचारी, कोई बात नहीं। अरे यार अभी इतने सारे बर्तन धोई हूँ, अब ये बर्तन और बच गए धोने को, दो कप, और ये चाय बनाने। गुड़िया की तबीयत ख़राब हो जाती है तो बहुत काम पड़ जाता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, इधर बर्तन धोने को भी पड़े हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से कुछ देर के बाद, बने रहिए आप लोग हमारे साथ। और गाइस बाहर देखिए क्या मस्त हवा चल रही है, ये देखिए मेरे पेड़ साफ नहीं आ रहा है क्योंकि लाइट कम है। मस्त ठंडी हवा चल रही है, बारिश बंद हो गई है, अभी थोड़ी देर पहले बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, शाम के टाइम हो रही थी, मतलब दिन था वही 5:30 बजे का टाइम था जब बारिश हो रही थी, और अब एकदम मौसम खुल गया है, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये देखिए अंधेरा बहुत है, लेकिन थोड़ी देर बाहर बैठती हूँ उसके बाद कुछ करती हूँ। देखो मैंने सारी सब्जियाँ वॉश करके रख दी हैं, क्या बनाना है इनमें से? अभी तुमने ये कहाँ रखी है? अरे यार ये तो भूल ही गई। अभी करेले हैं, ये भिंडी है, भिंडी है, वो करेला, ये करेले हैं, ये भिंडी है। अरे इनको तो मैं रखी, मैं निकाली के नहीं लाई हूँ ये करेले। लेकिन मम्मी करेले अब धोना पड़ेंगे, धो दो इनको। और ये पुरानी सब्जियाँ है ना? नहीं 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 ये पुरानी है, टिंडे और ये सब गाजर वाजर, तो इसको मैंने फ्रिज पूरी साफ की है,
तो इसको निकाला है, इनको अलग कर दो। हाँ इनको अलग कर दो, हाँ उनको, इसीलिए तो मैं निकाली हूँ वो सारी सब्जियाँ। टमाटर है ये, हाँ वो अभी कुछ बनाएंगे ना तो उसमें उसमें डाल दूंगी। और वो टिंडे, ताजी सब्जी अलग रखना। हाँ ये पूरा मैंने पूरा धो धा के रख दी है। अम्मी क्या बनाना है, किसको बनाना? डैडी से पूछो क्या बनाएंगे, डैडी से पूछो क्या खाएंगे। गाइस मैं भिंडी और करेला तो भूल ही गई, डैडी क्या खाएंगे? डैडी बताओ बना, क्या बना लूँ? कुछ भी, बना करेला खाओगे? कुछ भी बना लो, कुछ भी। गाय जी देखो मेरे घर में कपड़े, क्योंकि बारिश इतनी आ रही है तो हम लोग चारों तरफ अपने कपड़े सुखा रहे हैं। ये देखिए ये सब हमारा घर फैला पड़ा है। रखो कहीं, अदरक तो धोते नहीं है ना, तो अदरक को रख दो उठा के। और प्याज भी आज सब मैंने सब डलियों में रख दी है, आलू प्याज लहसुन सब रख दिए, सब रख दिए, सब रख दिए। फ्रिज में जाएगी, हाँ फ्रिज में सेट कर दो जाके सब। अब मैं कुछ बनाने जा रही हूँ, थोड़ी देर मेरे को डिस्टर्ब मत करना, ठीक है? ठीक है, हाँ ठीक है। गाइस मैंने सोचा चलो भिंडी बना लेती हूँ, तो ये देखिए भिंडी काट ली, और ये प्याज, तेल हो गया है। क्या है, गुड़िया नहीं रहती तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मैं कैसे मोबाइल पकड़ूँ, कैसे सूट करूँ और कैसे अपना काम करूँ, समझ में नहीं आता है, करूँ तो क्या करूँ। मम्मी अब ना सूट करना सीख लो। हाँ तो ना जब मैं कुछ बनाती हुआ करूँ ना तो मेरा सूट कर दिया करो। गुड़िया का तो भरोसा नहीं है, गुड़िया तो अब देखिए गाइस उल्टे हाथ से मैं ये काम कर रही हूँ और सीधे हाथ से मोबाइल पकड़े हूँ, देख सकते हैं आप लोग। अब हम अपनी भिंडियों को रेडी कर लें। देखो मम्मी मैं कैसे कर रही हूँ काम, मम्मी उल्टे हाथ से कुछ काम भी नहीं करते बनता है। हाँ जल गई, सीधे मतलब उल्टे हाथ से ना सूट भी नहीं कर पाती हूँ। ये देखो जल भी गई। अब क्या करने जा रही हो? नमाज पढ़ने जा रही हूँ। मम्मी से तो किसी चीज का छोड़ो, रहन दो, रहने दो, रहने दो, मैं कर लूँगी। बैक कैमरा करके कर लूँगी सारे काम। मम्मी अब मैं ना सूट करना सिखा दूँगी तुम्हें, ठीक है? इतनी भिंडी बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, थोड़ी सी बना। सब्जी अभी रखी भी तो, अभी सब्जी रखी है ना, तो अभी भर के लिए क्या करना है। और पता है आज मेरा क्या मन कर रहा है, मेरा ये इतने अच्छे, देखो इसमें प्याज रख दी मम्मी ने काट के, इतने अच्छे भांटे हैं ना ये, मतलब बैगन बोलते हैं ना, तो पता है मेरा क्या मन कर रहा है मम्मी, मैं फ्राई, जो फ्राई करके भरता बनाते हैं ना वो वाला भरता बना के खाऊं। हैं इसका चीखना चालू हो गया, अभी आती हूँ इसको, क्या कर रही है ये देखती हूँ थोड़ी देर में। तबीयत खराब हुई, अरे नौटंकी कर रही है, कर रही है कि सही में तेरी तबीयत खराब है गुड़िया, कि नौटंकी कर रही है, जो समझ में आ रहा है, जो समझ में आ रहा है गुड़िया। अभी तूने दवा खाई है, वो भी दूध के साथ ली है। गाइस ये पानी के साथ दवा नहीं लेती है, ये दूध के साथ लेती है, तो दूध में और गैस बनेगी कि नहीं बनेगी? मेरी नहीं बनती है, नहीं बनती है, सिर्फ एक काम करने के चक्कर में ये पड़ी हुई है। बहुत तेज जुकाम। अच्छा पक, दिखाओ इसकी शक्ल जरा। रहने दो, लेटी रहने दो उसको, परेशान ना करो। कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं, हम अपना काम खुद कर लेंगे। अल्लाह प्याज जल गई मम्मी गुड़िया के चक्कर से, जल गाइस मुझसे नहीं बन रहा काम करते, मैं आप लोगों से कुछ देर के बाद मिलती हूँ, बने रहिए आप लोग मेरे साथ। और अब मैं खाना तैयार कर लूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलूंगी। ये कौन आ रहा है, तू अचानक कैसे? ये मैं आ गया। सलाम तो कर लिया कर कम से कम। सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम जी, तेरा बड़ी उम्र हो। नहीं आदाब नहीं, बस हो गया हो गया हो गया हो गया। ठंडी लग रही है, पता है? देखो हमारे घर का हाल, चिकन बनाया? चिकन नहीं बनाई, तूने पहले बताया नहीं मेरे को। मम्मी बोली थी चिकन लाके, तू खुद बोली थी ना, झूठ नहीं बोलना ना। अल्लाह कसम भिंडी बन रही है, खुदा पाक कसम। अल्लाह मम्मी क्यों झूठ बोलती हो? अल्लाह पाक से कोल ना, कोल देख ना। अरे देख, अरे देख, धोखा दिया धोखा। मम्मी ये देख भिंडी बन, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया धोखा। तुझे धोखे से आज हमने बुलाया है। मम्मी आते ही भड़बड़ा के गिरा है उसमें, पता मजा। जा दुकान खुली होगी, जल ले यार, जा मैं बना दूंगी, पर जा। जा ले, अभी 10 बजा है। आज भिंडी खा लेंगे, आज सावन का पहला दिन है ना, चिकन नहीं खाते। अल्लाह मम्मी क्यों झूठ बोल रही हो? नमा तुम बता देती कम से कम। मुझे पता होता तो मैं बता देती कि बाबू आ रहा तो मैं चिकन। कह रहा धोखे से बुलाया तुम लोगों ने मुझे, तो मजा आती है था। ये रोटी है? रोल एक हाथ से क्या क्या काम करूं? अब सब्जी निकालने जा रही हूँ, देख ले खाली रोटी खाने लगा। मेरे भाई का दिल टूट गया, मेरे भाई का दिल टूट गया। क्या बोला? इसमें ऐसे किया, हाँ, अंडा लिया, उसमें चिकन विकन डाल के मस्त करके इसके अंदर भर दिया, हाँ, ऐसे करके रख दिया, हाँ, मस्त अंदर पक जाएगा, फिर कटिंग करो खाओ। कल कल बनाएंगे क्या ये सब? अभी सब चीजें दिल टूट गया। मम्मी तेल थोड़ा ज्यादा हो गया सब्जी में। गैस, ये मेरी भिंडी बन के हो गई रेडी। आज नई बात थोड़ी है। अम्मी पानी की बोतल भी लिए जाओ बाबू को, और सलाद भी, सलाद काट दिया है मैंने। वो काटा अनानास? नहीं तुम काट लो ना, अनानास काट लो यार। अरे प्याज लाके दिया था मैं, मेरे को दिया भी नहीं है। तो तू लाके दिया था, रायपुर चला गया था, फिर जब मैंने एक तो काट के खा लिया। काट दो। अरे रहन दे, छोड़ ना मम्मी, मेरे काम आएगा, मेरे काम आएगा। कुछ बोलने वाली है? इतना चाहती हूँ ये देख, तेरे लिए कितना सारा सलाद, गाजर, चुकंदर, सब काट के सब बना के रखी हूँ। अनानास अभी नहीं काटना। अरे वो मैं अभी पूरे तरीके से नहीं काटी थी। हाँ अभी हम लोग खाने नहीं बैठे थे ना, मैंने ये इमरजेंसी में काट दिया था। ठीक है अब मैं जा रही हूँ, अभी मुझे और रोटियां बनाना। इमरजेंसी ये थी कि मुझे खाना जल्दी रेडी करना था, डैडी आ गए थे और डैडी बोल रहे थे भूख कस के लगी है। ठीक है आती हूँ। सो गाइस ये मेरे डैडी की बन रही है खीर। देखो डैडी अभी इसकी तबीयत खराब थी और अब उठ के नौटंकी करने लगी। भाई आ गया तो भाई से नौटंकी कर रही है। अब कौन सी कंपनी है, कहाँ डैडी, ये कैसी बनी है बताओ? गरम है, ज्यादा गरम है, खा के बताओ मेरे को। गरम बहुत ज्यादा है। अच्छी बनी है बाबू, खीर खाएगा? इतना खाना नहीं खा पा रहा है, भर गया। सो गाइज मिलते हैं थोड़ी देर बाद, आप लोगों से इसका पेट भर गया है। सो गाइज मैंने 4-5 दिन से कोई वीडियो नहीं बनाया था और थोड़ा सा मेरा दिल भी उदास था क्योंकि छोटे भाई को लेके इमरान का, तो इसलिए कोई वीडियो नहीं बना पा रही थी और आज बनाया है वीडियो। तो बस अगर आप लोगों को मेरा आज का, आज ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर जैसा भी बनाए मतलब जैसा भी आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। और प्लीज़ प्लीज़ अभी तक जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। और मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बने रहिए आप लोग मेरे साथ। मेरी मम्मी क्या कर रही है बाहर? कपड़े धो रही है।
वही तो मैं बोल रही कौन कह रहा बात। तो सो गाइस और मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बने रहिए मेरे साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।